नमस्कार, मैं हूं मूमल रानावत आपके साथ और आप देख रहे हैं मेवाड़ न्यूज़ चैनल। आज मैं बीएन पब्लिक स्कूल में पढ़ रही झलक तोमर, जो कि बॉक्सिंग चैंपियनशिप, इंटरनेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल लेकर आई हैं। मात्र 15 साल की ये हैं और ये हमारे उदयपुर सिटी के लिए बहुत ही गर्व की बात है। तो झलक, आपको कैसा लग रहा है ये अचीवमेंट पाकर? अचीवमेंट कोई भी हो अच्छा लगता है, और जब एक इंडिया के लिए कुछ अचीव करते हैं तो उसकी खुशी डबल होती है, और पेरेंट्स की स्माइल, पेरेंट्स के एक्सप्रेशन देख के और भी अच्छा लगता है, और फिर बीएन स्कूल को देख के, जो अपने कोचिज होते हैं उनकी खुशी देख के बहुत अच्छा लगता है। वेरी गुड। मतलब पराये देश जाना, यूक्रेन आप गई थी, यूक्रेन में जाकर जब पराये लोगों को देखा तो क्या वहाँ पर आपको थोड़ा बहुत भी अपनापन दिखा? नहीं, वहाँ सिर्फ जो अपनी टीम इंडिया थी उसमें ही यूनिटी थी, और सब अपने से मतलब रखते हैं, लैंग्वेज अलग हो जाती है, कुछ पता नहीं पड़ता। इंग्लिश भी अब वहाँ पर कम समझ आती थी लोगों को, तो इंग्लिश भी नहीं बोल पाते थे वहाँ पर, क्योंकि उनको इंग्लिश समझ नहीं आती थी, तो ट्रांसलेटर दिया था हमको एक, वो भी कोच के साथ रहता था, हमारे साथ नहीं रहता था। तो 54 केजीज के कैटेगरी में आप सिल्वर मेडल लेकर आई हैं, ये बहुत ही गर्व की बात है उदयपुर के लिए, और ये बहुत ही गर्व की बात है उदयपुर के लिए। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि आप बीएन पब्लिक स्कूल में पढ़ती हैं, तो क्या आपको अपने स्कूल से सपोर्ट मिला पढ़ने के लिए ज़्यादा था या फिर स्पोर्ट्स के लिए ज़्यादा था? दोनों चीज़ के लिए इक्वली इक्वल है, और सब सपोर्ट करते हैं। बीएन संस्था ने भी बहुत सपोर्ट करा मेरे को, मेरे कोचेज ने सपोर्ट करा, राजस्थान बॉक्सिंग एसोसिएशन के जो प्रेसिडेंट हैं फतेह सिंह जी राठौड़, उन्होंने भी सपोर्ट करा मेरे को, स्कूल के प्रिंसिपल सर, उन्होंने बहुत सपोर्ट करा। मैं लेट आती थी, कोई बात नहीं, पहले प्रैक्टिस नेशनल्स के टाइम पे मैं हाफ डे में आती थी, सर को एप्लीकेशन दी मैंने, सर ने कहा कोई नहीं प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस ज़रूरी है अभी। ओके, तो मतलब आपको पूरा सपोर्ट मिला। तो झलक, बॉक्सिंग जो आपका गेम है, जो आपने पकड़ रखा है, तो आपको कितने साल हो गए बॉक्सिंग करते हुए? 2 साल अभी जुलाई में हो जाएंगे मेरे को। ओके, आपको 2 साल हो जाएंगे। तो बॉक्सिंग के पीछे, मतलब इतना टफ गेम है जो गर्ल्स के लिए, कि कहीं पर भी पड़ जाए तो सूज जाता है या शक्ल बिगड़ जाती है, जनरली पेरेंट्स का ये कहना होता है कि लड़कियों को बॉक्सिंग नहीं कराएं, तो आपको ये इंस्पिरेशन कहाँ से मिली? ये स्कूल में बॉक्सिंग होती थी मेरे पिछले स्कूल में, तो वहाँ पर बॉयज़ की बॉक्सिंग होती थी, तो मेरी इच्छा होती थी कि हाँ मैं बॉक्सिंग करूँ, उनको देखकर शौक आया, फिर पापा से पूछा, पापा ने बोला जो इच्छा वो करो, तो फिर गर्ल्स की बॉक्सिंग भी स्टार्ट करवाई थी मैंने वहाँ पर, और फिर वहाँ 2 साल बॉक्सिंग करी, पर वहाँ पर इतना अचीव नहीं कर सकते थे तो इसलिए इधर आना पड़ा, और आगे करियर बॉक्सिंग में ही बनाना है, इंडिया को रिप्रेजेंट करना है, ओलंपिक्स में गोल्ड लाना है। ओके, तो मतलब 15 साल की झलक के व्यूज़ आपने सुने। अब जिस स्कूल में झलक पढ़ती हैं, मैं चाहूँगी कि हम उनके प्रिंसिपल सर से भी कुछ बात करें। तो सर, कैसे हैं आप? हमें बहुत अच्छा लग रहा है आपको याद पा करके, आपको याद देख करके, कि आपने अपना समय हमें दिया। ऐसा हर बच्चा हमारा झलक की तरह आगे बढ़े, हमारी ये कामना है, ईश्वर से हमारी प्रार्थना है कि हमें निरंतर प्रगति के पथ पर ले जाए। और झलक के लिए यही कहूँगा मैं कि ये बालिका न केवल स्पोर्ट्स में पारंगत है बल्कि पढ़ाई में भी बहुत अच्छी है। पढ़ाई के मामले में हमें कोई शिकायत नहीं है। इसने अपनी सभी कमियाँ, मान लो बहुत दिन तक बाहर रही है बच्ची, लेकिन कम समय में इसने सबका समायोजन कर दिया। दैट्स अ वेरी बिग अचीवमेंट ऑन द पार्ट ऑफ दिस चाइल्ड। सो वी आर प्राउड ऑफ दिस चाइल्ड एंड वी विश दैट ऑल चिल्ड्रन हु आर इन अवर केयर शुड गेट द सेम हाइट। थैंक यू सो मच सर। जैसा कि हम सब जानते हैं कि बीएन से कई बड़े बड़े आईएएस, आईपीएस, आरएस निकले हैं, वैसे ही एक 15 साल की बच्ची बॉक्सिंग में भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कमाल करके आई है। तो थैंक यू सो मच सर, मुझे आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच झलक। हमारे पास आपके लिए बस इसी तरह से आप बनाए रखें और हमारे बच्चों का उत्साहवर्धन करते रहें, क्योंकि बच्चा अपने आप को जब देखता है, वर्ल्ड के सामने देखता है, तो बहुत प्रेरित होता है। और हम लोग बने इसीलिए हैं कि इन बच्चों को बहुत आगे बढ़ाएं, हमारा बीएन संस्थान आगे बढ़े और हमें बहुत अच्छी तरक्की का अवसर मिले। मैं ये भी कहना चाहूँगा कि यहाँ हमें बीएन जो मैनेजमेंट है हमारा, उसका पूरा सहयोग मिल रहा है, हर तरह का सहयोग मिल रहा है। हमारे स्टाफ के लोग भी इसमें सक्रिय हैं और हम चाहते हैं कि हर बच्चा इस प्रतिभा को आगे बढ़ाए, खेलों में भी और शैक्षणिक रूप में भी। तो ये थी झलक तोमर और बीएन के प्रिंसिपल सर हमारे साथ। आगे की खबरों के लिए बने रहिए मेवाड़ न्यूज़ चैनल पर। धन्यवाद। वक्त में भी हम न खोए हौसला, दिल के साथ चलने का यूं कर ले फैसला, मिट्टी हम जो चूमे तो मिलता जोश है, बस तेरी ही खातिर जाए सरफरा।
जोश है, जीत का जश्न हम मनाएंगे, आसमान